चलो देखो जितना भी क्वेश्चन है ठीक है, टू मार्च का है ठीक है, ये आने वाला क्वेश्चन है 2022 का ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। सबसे पहले जो निकाले हैं सेशन के ये निकाले हैं ठीक है, इसका दूसरा दो क्लास हो चुका है सेशन का, तीसरा क्लास में यहाँ इसमें बना है समांतर श्रेणी का ठीक है, एपी वाला चैप्टर का, एपी वाला चैप्टर में तीन चार तरह से क्वेश्चन पूछता है। पहले यहाँ पे लिखे हम एपी 2468 यहाँ पे दिया है ना, 2468 करके दिया हुआ का 11वां पद की गणना करें, एक दे देगा उसमें भी कुछ दे देगा, यहाँ पे कुछ भी अंक चेंज रहेगा ठीक है, 18, 20, 22, 24 जो भी रहेगा उसका पद का बोलेगा निकालने के। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 3, 8, 13, 18, 23 का कौन सा पद 78वां होगा, ये एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा ठीक है, दूसरा टाइप हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन है इसी में, यदि एपी में एल का वैल्यू दिया रहेगा, एस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कुल पद 9 है तो ए का वैल्यू बोलेगा निकालने के लिए, ए मतलब प्रथम पद बोलेगा निकालने के लिए ठीक है, प्रथम पद निकालने के लिए बोलेगा। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में 4, 9, 14, 254 ठीक है, टोटल दिया जाएगा इसमें 254 में 20वां पद ज्ञात करें, इसमें पद बोलेगा निकाल, 20वां पद का स्थान क्या होगा ठीक, ये इस टाइप का, ये चार क्वेश्चन चार टाइप का पूछेगा। और एक क्वेश्चन भी है प्लस करके दिया रहेगा, 25 + 28 + 31 + 100 का योगफल निकालें ठीक है, इसमें भी T2 - T1 करके निकालेगा, एक प्लस में करके दिया हुआ, हम पांच तरह का क्वेश्चन तुमको इसमें दिए हैं ठीक है। इसके बाद देखो द्विघात समीकरण 3x² - 4√x + 4 = 0 के मूल की प्रकृति याद करें, तो मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b + √d/2 है, एक वो होगा एक वो वाला निकालेगा निकालेंगे ठीक। फिर पांचवा नंबर ये आठवां नंबर क्वेश्चन है, समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2x + 7 को विलोपन विधि से हल करें ठीक है, इसमें विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, और एक बताए थे सेशन में वज्रगुणन विधि, बताए थे ना वज्रगुणन विधि, वो भी तुमको निकालने के लिए जाएगा। अभी तो फिलहाल वज्रगुणन विधि देखें प्रीवियस ईयर में ज्यादा पूछ रहा था ठीक है, तो वो भी दे दिए, अगर यदि विलोपन विधि दिया जाएगा या प्रतिस्थापन विधि तो निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो क्या हुआ है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज चैप्टर से है, जिसका कोण सी समकोण है, सी समकोण तो सी वाला जो ऐसे करके बनाएगा ठीक है, पहले बी अगर को बोलता है तो बी, तो हमको बोल रहा है सी तो सी इसको मानेंगे ठीक है, ए और बी तुम्हारा ये हो जाएगा सी समकोण करके निकालना है, सी हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री ठीक हो जाएगा ना, सी 90 डिग्री करके निकालेगा। इसके बाद देखो क्या हुआ, नंबर नंबर वो दिया हुआ सी समकोण, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर प्लस 2ac है, इसको निकालना है। फिर दसवां नंबर क्वेश्चन में दिए हैं, निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें, ये एक सिंपल इस तरह से दिया जाएगा जिसमें कि तुम सिग्मा एफ एक्स करके निकाल देगा, कभी इसके बीच में एफ का भी वैल्यू दिया जाएगा, ये चीज हटा देगा एफ दे देगा, तो तुमको क्या करना होगा एफ को निकालना होगा ठीक है, पिछले साल जो दिया गया था 2022 में पूछा गया था, तो एफ दे करके गया था निकालने के लिए, तो हो सकता है इस बार एफ नहीं भी दे, अगर देगा तो एफ निकालना है ठीक। इसके बाद देखो निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें, 11वां नंबर क्वेश्चन में दिए हैं बहुलक, ये 2 नंबर में भी दे सकता है 5 नंबर में भी तुमको दे सकता है, तो बहुलक में तुमको वही देखना है कि किसका बराबरता सबसे अधिक है, जैसे यहाँ है 15 सबसे अधिक है ना, तो इस पे लगा देगा फॉर्मूला बहुलक का, पता है ना, एल प्लस बोलो फॉर्मूला तुम लोग बोलो,
1 0 minus half minus 1 minus half 1 into I है ना, यही फॉर्मूला पे तुमको निकालना है। ये तुमने दो नंबर का सारा था क्वेश्चन, अब जो अगला कल जो बता देंगे तुमको पांच नंबर का सेशन पूरा कर देंगे। पिछले भी पहले भी बतावे कि ये क्या क्या आएगा, कल एक थोड़ा सा और बता देंगे तो हो जाएगा सब।